आज की जो क्लास है वो इवेंट्स के ऊपर है। विजुअल बेसिक 6.0 में हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और उनके साथ कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि विजुअल बेसिक की जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो इवेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ इवेंट का बहुत महत्व है। तो हम देखते हैं कि इवेंट होता क्या है। विजुअल बेसिक में यूज़र द्वारा रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है। यूज़र मतलब हम, जो प्रोग्राम का यूज़ कर रहा है, जो एंड यूज़र है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इस पर मैंने क्लिक करने का कोड लिखा है। ये कोड मैंने लिखा, इसको रन किया, अब प्रोग्राम रन हो रहा है। रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी, प्रोग्राम रन हो रहा है, रन टाइम पर मैं यहाँ पर जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ रन के दौरान, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने माउस को खसकाया, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? इवेंट कहलाती है। इवेंट का डेफिनेशन है रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी, यूज़र के द्वारा रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है। अब यूज़र जो है कोई भी एक्टिविटी किसके द्वारा कर सकता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा। या तो मैं माउस के द्वारा कोई एक्टिविटी करूँगा या फिर कीबोर्ड के द्वारा करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास दो ही इनपुट डिवाइस हैं। अगर कोई तीसरा इनपुट डिवाइस है, मान लो टच स्क्रीन है, बार कोड रीडर है, या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के साथ मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ किसी प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म की मैंने की माउस से। तो माउस से मैं कई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे माउस से मैं सिंगल क्लिक कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ, माउस पे राइट क्लिक कर सकता हूँ, माउस पे ट्रिपल क्लिक कर सकता हूँ, माउस से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी है। इसी तरीके से कीबोर्ड से भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यूज़र द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है, जो कि हमारा टॉपिक है। तो आप भी कई बार कंप्यूटर पर बैठे हैं और कई बार आपने एक्टिविटी की होगी और वही जो है आपका इवेंट कहलाता है। तो अब हम उनको डिटेल से देखेंगे कि इवेंट कितने प्रकार के होते हैं और किस इवेंट को विजुअल बेसिक में कैसे हैंडल किया जाता है। तो अभी तक मैंने जो भी बताया आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या कहलाता है। आपने भी कई बार प्रोग्राम रन करते समय या किस क्या चीज पर एक बार थोड़ा सा फिर से मैं छूट गई थी। ओके, फिर से मैं कर दे रहा हूँ रेडी। हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट, जो यूनिट 5 में भी है और यूनिट 1 में भी है। इवेंट क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। यूज़र द्वारा रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी जो है वो इवेंट कहलाती है। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को बनाया और यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, रन करने के दौरान की गई एक्टिविटी को इवेंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक इवेंट कहलाएगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। ये यूज़र के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है इंटरफेस पर, ये सारी एक्टिविटी जो है वो इवेंट कहलाती है। अब आपको ध्यान देने की बात है कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस के द्वारा की जा सकती है। यूज़र द्वारा जो है इनपुट डिवाइस के द्वारा की जाती है, चाहे वो इनपुट डिवाइस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अभी तक हम जो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं वो जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, कुछ इनपुट डिवाइस इनडायरेक्ट भी होती है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड और माउस है, तो इस ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ पर मैं कीबोर्ड से चाहे माउस से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या फिर इस तरीके से सेलेक्शन वाला काम, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम, इस तरीके से कोई भी काम कर रहा हूँ, ये सारे इवेंट हैं। जैसे कि ये क्लिक इवेंट हुआ, तो इन सभी इवेंट्स को हम कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। माउस के द्वारा किया जाने वाला कोई भी इवेंट माउस इवेंट कहलाता है। जैसे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप,
मूव, स्क्रॉल, ये सारे जो इवेंट हैं, स्क्रॉलिंग, ये सब जो इवेंट हैं ये माउस के इवेंट हैं। ऐसे ही कीबोर्ड में की टाइप, की प्रेस, की रिलीज्ड, ये सारे जो इवेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, कीबोर्ड के इवेंट कहलाते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक, कीबोर्ड में कंट्रोल दबाए हैं उसके साथ क्लिक, तो ये इवेंट्स का कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से इवेंट्स को कई हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो अभी तक मैंने जो भी बताया मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या होता है और इवेंट का कितना बड़ा योगदान है विजुअल बेसिक के प्रोग्रामिंग में। तो इवेंट यूज़र द्वारा की गई रन टाइम पर ध्यान देना है आपको, जब प्रोग्राम रन हो रहा था उस समय पर जो एक्टिविटी की जाती है उसी को इवेंट कहते हैं। इवेंट को हम दो कैटेगरी में फिलहाल बांट सकते हैं अभी, तो एक तो है कीबोर्ड इवेंट और दूसरा है माउस इवेंट। ठीक है, यानी कीबोर्ड के द्वारा किया गया जो भी एक्टिविटी है रन टाइम पर उसको हम बोलेंगे कीबोर्ड इवेंट, और माउस के द्वारा जो भी किया गया है उसको माउस इवेंट। अगर आपके पास टच स्क्रीन है लैपटॉप में या किसी डिवाइस में, तो उसमें टच स्क्रीन का अलग इवेंट होगा, कोई और इनपुट डिवाइस है उसका अलग इनपुट होगा, इवेंट होगा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी इवेंट बनते हैं। तो अभी हमको वो नहीं देखना है, जो कॉमन बेसिक इवेंट्स हैं वो देखेंगे। तो हम पहले माउस इवेंट्स को देखेंगे, माउस इवेंट क्या होता है और कीबोर्ड इवेंट क्या होता है इसको देखते हैं। अब माउस इवेंट को पहले देखते हैं क्योंकि इस टॉपिक में यहाँ पर आपको माउस इवेंट पहले दिया हुआ है, ये देखिए माउस इवेंट्स, क्लियर। तो देखते हैं कि माउस इवेंट क्या क्या होते हैं और हम उनके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। मैं विजुअल बेसिक ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स ओपन किए थे, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लेबल बना देता हूँ, लेबल बनाने के बाद मैं इसका बैक कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि माउस इवेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, क्लियर है। अब इस लेबल पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। देखिए मैं इस लेबल पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही कोड विंडो ओपन होता है आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल वन, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लेबल वन और यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्लिक, तो इसका मतलब है ये वाला जो इवेंट प्रोसीजर है बनेगा आपका लेबल वन अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि लेबल वन पर जब क्लिक किया जाएगा तो क्या काम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स, क्लिक इवेंट। इसका मतलब है ये जो तीन लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लेबल वन पर अंडरस्कोर मतलब पर लेबल वन पर जब क्लिक किया जाएगा तो मैसेज बॉक्स लिखा हुआ आएगा और उसमें लिखा रहेगा क्लिक इवेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पे रन कराते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं लेवल वन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा क्लिक इवेंट, देखिए यहाँ पर क्लिक इवेंट आ रहा है। तो मैंने लेवल वन पर कोड किया है कि लेवल वन पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट आएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल वन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डबल क्लिक, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल क्लिक दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लूँगा डबल क्लिक तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेबल वन अंडरस्कोर डबल क्लिक, तो यहाँ पर आएगा एमएसजी बॉक्स डबल क्लिक, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आया क्लिक इवेंट, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक बार क्लिक करने से ही वो डिस्प्ले कर दे रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर डबल क्लिक के पहले सिंगल क्लिक एग्जीक्यूट हो जा रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको मिलेगा माउस डाउन, माउस मूव और माउस अप, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं को पढ़ना है हमको, माउस डाउन, माउस मूव और माउस अप, ये तीनों को माउस इवेंट कहा जाता है। अब इनको समझने की ज़रूरत है। माउस डाउन, जैसे मैं माउस डाउन पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है
private sub label 1 underscore mouse down. और यहाँ पे कुछ arguments हैं कि mouse down करते समय आप shift की दबा रहे हो कि नहीं, कोई button दबा रहे हो कि नहीं, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ mouse move, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा mouse move. और तीसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर mouse up. अब हमको ये समझने की ज़रूरत है, इन तीनों इवेंट्स को हमको समझने की ज़रूरत है कि माउस डाउन, माउस मूव और माउस अप में क्या अंतर है. तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर आपका माउस इस तरीके से है और माउस में दो बटन होते हैं, ये मान लेते हैं हमारा माउस है और माउस के नीचे यहाँ पर आपके पास दो बटन होते हैं, ये बटन वन है, ये लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए है, और इस बटन के नीचे एक प्लेट लगी होती है. जैसे ही आप ये वाला बटन दबाते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है इससे टच हो जाता है, ये वाला हिस्सा टच हो जाता है. और राइट बटन दबाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो टच हो जाता है. तो जब भी हम लेफ़्ट बटन दबाते हैं तो ये यहाँ पर टच होता है और यहाँ पर कुछ केबल्स लगी होती हैं, कुछ ऐसे वायर्स लगे होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है. वैसे ही सेम इसके नीचे भी कुछ केबल्स लगे रहते हैं और उसके नीचे इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है. तो जब भी हम ये बटन दबाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा इससे टच होता है, तो जैसे ही बटन दबाते हैं तो ये हिस्सा जैसे ही टच होता है, जैसे ही ये सर्किट पे टच होता है उसी समय पे माउस डाउन इवेंट फायर होता है, क्योंकि बटन को डाउन कर रहे हैं और मैंने बटन को ऐसे दबा के रखा है और छोड़ा नहीं. फिर जब मैं बटन को दबा के रखता हूँ और जैसे ही बटन को छोड़ता हूँ या रिलीज़ करता हूँ तो बटन ऊपर आता है. उस जैसे ही वो बटन ऊपर आता है तो उस समय होता है माउस अप इवेंट, उस समय रिलीज होता है माउस अप इवेंट. तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माउस डाउन इवेंट और माउस अप इवेंट में क्या अंतर है. तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई बटन दबाऊंगा या माउस का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट माउस डाउन और यहाँ पर माउस अप लिख देता हूँ प्रिंट माउस अप. अब अभी हम ये सिर्फ दो ही मैसेज, दो ही फंक्शन को देखते हैं. देखिए माउस डाउन होगा तो माउस डाउन पे लिखा आएगा, लिखा हुआ आएगा माउस डाउन, और माउस अप होगा तो फिर लिखा हुआ आएगा माउस अप. क्लियर है? अब मैं रन कराता हूँ और आपके सामने ये लेबल है. जैसे ही मैं एक बार यहाँ पर दबाऊंगा, आप फॉर्म पर देखिए, मैं एक बार कीबोर्ड का बटन दबा रहा हूँ, सॉरी माउस का बटन दबा रहा हूँ. एक बार दबाया तो एक बार जब हम कोई बटन दबाते हैं तो पहले माउस डाउन हुआ क्योंकि बटन नीचे जाके टच हुआ, और फिर जब मैंने बटन को छोड़ा तो माउस अप हुआ. ये देखिए अब मैं धीरे धीरे दबा रहा हूँ, बटन को मैंने दबाया और मैं छोड़ा नहीं हूँ अभी बटन को, माउस का बटन अभी दबा हुआ है. अब मैं तीन गिनती गिनूंगा 1 2 3 और ये माउस का बटन मैंने छोड़ दिया तो माउस अप आया. यानी कि ये इवेंट तब फायर हो रहा है, ये इवेंट प्रोसीजर तब फायर होगा या इवेंट के साथ तब फायर होगा जब मैं माउस की बटन छोड़ूंगा, और ये वाला जब तब फायर होगा जब मैं माउस का बटन दबाऊंगा. तो माउस डाउन और माउस अप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि माउस डाउन और माउस अप क्या होता है. अब हम देखते हैं कि माउस मूव क्या होता है. जब भी स्क्रीन पर मैं माउस को ऐसे मूव करता हूँ तो वो साथ साथ यहाँ पर क्या करता है, इवेंट फायर होते रहता है. तो माउस मूव इवेंट का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आप लोग इसका एक देखे भी हैं. एक मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लेबल हटा देता हूँ और यहाँ पर ये फॉर्म के ऊपर हम माउस मूव इवेंट लगाएंगे. मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है फॉर्म और यहाँ पर मैंने लिखा माउस मूव. अब देखिए यहाँ पर माउस मूव इवेंट आ गया है. इसका मतलब ये है कि फॉर्म के ऊपर जब माउस को मूव किया जाएगा या माउस को चलाया जाएगा या हिलाया जाएगा तब क्या होगा. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक सर्कल बनेगा. जैसे ही मैं माउस को उसके ऊपर चलाऊंगा तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल की पोजीशन क्या होगी, जो माउस की पोजीशन है. एक्स वाई मतलब
जैसे जैसे माउस को ले जाया जाता है तो यहाँ से x और y आता है। x और y मतलब फॉर्म की किस पोजीशन पे, x एक्सिस और y एक्सिस, किस एक्सिस पर बटन माउस का है या माउस पॉइंटर है। तो जहाँ पर माउस पॉइंटर होगा वहाँ वहीं पर सर्कल बना दिया जाएगा। फिर कॉमा दे करके मैं सर्कल की साइज दे देता हूँ 300। यानी कि अब इस कोड का मतलब है कि फॉर्म के ऊपर जब भी माउस मूव किया जाएगा और माउस का पॉइंटर जहाँ पर भी होगा, माउस का पॉइंटर एक्स और वाई एक्सिस से दिखाया जाता है, तो वहाँ पर एक सर्कल बनते जाएगा। मैं फॉर्म रन किया, ये देखिए जहाँ जहाँ माउस ले जा रहा हूँ वहाँ वहाँ पर एक सर्कल बना रहा है। ये माउस मूव इवेंट है, क्लियर है, ये एक सर्कल बनाते जा रहा है। मैं फॉर्म को यहाँ बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिए माउस का पॉइंटर जहाँ पर भी है वहाँ पर ये सर्कल बनते जा रहे हैं। इन सर्कल की साइज़ अभी मैंने 300 दिया है, इसकी साइज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी साइज़ मैं दे देता हूँ 600, तो सर्कल जो है वो बड़ा बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, और साथ ही साथ इस सर्कल को, ये माउस मूव इवेंट का कमाल है, साथ ही साथ इस सर्कल पे आप कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक रैंडम कलर का कोड कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना होगा मी यह कि फॉर्म वन डॉट फोर कलर इक्वल टू, मैंने रैंडम कलर के लिए RGB लिया और यहाँ पर मैंने एक रैंडम कलर रेडी कर लिया है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो लाइन है, ये जो है फॉर्म वन के ऊपर का जो कलर है वो हर सर्कल के लिए अलग अलग जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा नहीं मालूम, 65536 अलग अलग कलर होते हैं, कोई से भी रैंडम कलर्स जनरेट करेगा। अब हम इसको रन करते हैं, फॉर्म बड़ा कर लेते हैं। देखिए हमारा जो सर्कल है वो कलरफुल इस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफिक्स में भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। माउस जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल्स हैं वो बनते जा रहे हैं, क्लियर है, माउस मूव इवेंट है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं माउस को, मैं नहीं चाहता कि इतने दूर ये एरिया पर माउस कुछ लिखे, बट ये माउस, ये जो सर्कल है वो छोड़ ही नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये मैं क्लिक करूँ उसके बाद लिखे, ऐसे मूव करूँ तो ना लिखे। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख सकता हूँ कि इफ बटन इक्वल टू वन देन अब यहाँ पर मैंने कि इफ कंडीशन लगा दी है कि अगर बटन इक्वल टू वन है, मतलब अगर बटन, माउस का बटन दबा हुआ है तब सर्कल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तब सर्कल बनेगा और तब कलर चेंज होगा। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे कोड को रन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं माउस को इस तरीके से रन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं माउस का बटन दबाऊँगा। ये देखिए आपको माउस के साथ, माउस का बटन में दबाया मैंने, अब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये वो कोड, वो प्रोसीजर रन हो रहा है और ये इस तरीके से बना रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे गैप देना, तो माउस का बटन मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, देखिए रिलीज़ कर दे। मैं चाहता हूँ कि माउस रिलीज़ वगैरह को भी मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो आप अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माउस अप और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट अप, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर लिख देता हूँ माउस डाउन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट डाउन। और इस कोड को मैं पीछे या नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब माउस अप होगा तो ये लिखाएगा अप और डाउन। तो मैं रन करता हूँ, आप यहाँ पर फॉर्म पर देख रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया मैंने, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डाउन लिखा। अब मैं डाउन लिखने के बाद इसको चला रहा हूँ, माउस अभी दबा हुआ है, बटन मैंने दबा के रखा है माउस का, और मैं मूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, देखिए अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ 1 2 3, मैंने जैसे ही इसको छोड़ा तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है अप। तो जैसे मैंने इसको अप कर दिया, अभी माउस जो है बटन दबा नहीं है, तो अब ये कोई भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ वहाँ पर ये तरीके से नहीं लिख रहा है।
ये तभी लिखेगा जब माउस डाउन होगा। अब मैं फिर से बटन दबाने जा रहा हूँ, 1 2 3, मैंने माउस का बटन दबा दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए डाउन लिखा हुआ है, माउस का बटन दबा हुआ है, मूव हो रहा है माउस और इस तरीके से सर्कल्स बन रहे हैं। अब मैं माउस का बटन यहाँ पर छोड़ूंगा आके 1 2 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप लिखा हुआ दिख रहा है। तो माउस के तीनों इवेंट आपने देखा, ये तीन इवेंट जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि माउस का बटन, लेफ़्ट बटन जब जैसे ही इसमें टच होता है, नीचे माउस के बटन के नीचे एक प्लेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जैसे ही हम बटन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं और वो बटन जाके सर्किट में टच होता है, जैसे ही वो टच होता है माउस डाउन इवेंट फायर हो जाता है। और जैसे ही माउस डाउन इवेंट फायर होता है तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर बना हुआ है, उसका नाम है माउस डाउन इवेंट। ये फॉर्म वन के ऊपर जैसे ही माउस डाउन इवेंट आया तो उसको हैंडल करने के लिए ये इवेंट प्रोसीजर है, उसने उसको हैंडल किया और कोड रन किया। इसी को बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ही प्रोग्राम को रन कराता है। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को ऐसे चालू करके छोड़ देता हूँ, प्रोग्राम में कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर कोई इवेंट नहीं करता हूँ, प्रोग्राम ऐसे पड़े रहेगा। अब मेरे द्वारा कोई एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है, ये मैंने इवेंट किया, कुछ माउस डाउन इवेंट कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा की गई एक्टिविटी के कारण यहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन मैं अगर कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, कोई इवेंट फायर नहीं करता हूँ, कोई इवेंट नहीं करता हूँ, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को ड्राइव करने का काम करता है इवेंट, जैसे गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर, तो यहाँ पर विजुअल बेसिक में प्रोग्राम को जो ड्राइव करना है, जो चलाना है, उसका काम करता है इवेंट। और इवेंट कई टाइप के होते हैं, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। आपने यहाँ पर अभी माउस इवेंट को देखा, माउस इवेंट में हमने तीन इवेंट्स को देखा, पहला देखा माउस डाउन, दूसरा देखा माउस अंडरस्कोर अप और तीसरा देखा माउस अंडरस्कोर मूव। ये तीन इवेंट जो है विजुअल बेसिक में माउस के बेसिक इवेंट हैं और इन्हीं को लिखना होता है। तो ये तो था माउस इवेंट्स। अब आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।